नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल बुलेटिन कोरोना को करोना में, जिसमें हम दिखाएंगे आपको कोरोना से जुड़ी आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। लेकिन खबरों का रुख करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पीएम केयर्स फंड से 1,000 करोड़ रुपए प्रवासी मजदूरों को आवंटित होने पर चिदंबरम का बयान, ट्वीट कर कहा पैसा सीधे राज्य सरकारों को जाएगा, न कि प्रवासियों के हाथों में जाएगा। कोरोना के खिलाफ 7 दिनों के अंदर शुरू होगा आयुष दवाओं का ट्रायल, केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने दी जानकारी। रेलवे की तरफ से चलाई जा रही स्पेशल ट्रेनों पर केरल सरकार को एतराज, केरल ने रेलवे से स्लीपर कोच चलाने की मांग की, कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए उठाया मुद्दा। लॉकडाउन पर जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का निर्देश, कहा 1 हफ्ते के भीतर लॉकडाउन से बाहर आने का प्लान तैयार करे प्रदेश सरकार। बाल अधिकारों के लिए भयानक संकट बना कोरोना वायरस, हर रोज मारे जा सकते हैं 6,000 बच्चे, यूनिसेफ ने किया सचेत। सुर्खियों के बाद अब बात जानलेवा कोरोना वायरस पूरी दुनिया में कहर बनकर टूट रहा है। इसके आगे बड़े से बड़े देशों ने घुटने टेक दिए हैं, आंकड़े भी इसकी गवाही दे रहे हैं। कोरोना से अब मची तबाही का क्या है मंजर, देखिए इस रिपोर्ट में। कई बड़े देशों के साथ भारत में भी कोरोना वायरस के मामले तेजी के साथ लगातार बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में मरीजों की संख्या 78,000 पार हो चुकी है। वहीं आंकड़ों के मुताबिक कोरोना से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 78,003, 2,549 लोग कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। बीते 24 घंटे में 3,722 नए मरीज आए सामने, इस दौरान 134 लोगों की हुई है मौत, 26,235 लोग कोरोना वायरस को मात देने में कामयाब हुए। वहीं रिकवरी रेट लगातार सुधर कर 33.63% हो गया है। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देश में लॉकडाउन लगाया गया है जो 17 मई तक प्रभावी रहेगा। अब नजर डालते हैं दुनिया के आंकड़ों पर। दुनिया में कोरोना ने कितनी तबाही मचाई, पूरी दुनिया में 44,30,000 कोरोना से संक्रमित, कोरोना से 2,98,000 लोगों की हुई मौत, कोरोना से ठीक हुए 16,60,000 लोग, अमेरिका में कोरोना से संक्रमितों की संख्या 14,30,000, स्पेन में कोरोना के मरीज 2,71,000, इटली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,22,000, फ्रांस में कोरोना के मरीज 1,78,000, जर्मनी में 1,74,000 कोरोना से प्रभावित। दुनिया के कई बड़े देशों में फैले कोरोना वायरस से मरने वालों का सिलसिला भी थमने का नाम नहीं ले रहा। मामलों में कमी जरूर आई हो, लेकिन कोरोना से मरने वालों का सिलसिला रुक नहीं रहा। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के मुताबिक कोरोना वायरस से लड़ने के लिए बस उम्मीदें वैक्सीन पर टिकी हैं। लेकिन जब तक कोरोना को खत्म करने की कोई दवा हाथ नहीं आती, तब तक सावधान रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। पूरी दुनिया कोरोना से दहशत में है। भारत में कोरोना संक्रमण की दर शुरुआत में कम थी, लेकिन समय के साथ अब भारत में भी ये तेजी से फैल रहा है। सरकार का कोई भी उपाय कोरोना को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है हमारा हेल्थ सिस्टम। इसे लेकर रेटिंग एजेंसी फिच सॉल्यूशन ने चिंता जाहिर की है। अन्य देशों की तुलना में भारत में भी कोरोना केस की संख्या तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। देश अपने मौजूद साधन और संसाधनों से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जुटा है, लेकिन रेटिंग एजेंसी फिच की हालिया रिपोर्ट ने बता दिया है कि ये कदम नाकाफी साबित हो रहे हैं। फिच के मुताबिक कोरोना की लड़ाई में मेडिकल इन्वेस्टमेंट की कमी और हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की खराब स्थिति भारत के लिए बड़ी चुनौती बन रही है। फिच ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि भारत में प्रति 10,000 नागरिकों पर 8.5 हॉस्पिटल बेड है, वहीं प्रति 10,000 मरीजों के लिए 8 डॉक्टर हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि भारत का हेल्थ केयर सिस्टम कोरोना महामारी से निपटने के लिए नाकाफी है, और जानलेवा वायरस से अगर जंग जीतनी है तो सबसे पहले हेल्थ केयर सिस्टम को दुरुस्त करने की जरूरत है। वहीं इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल केयर के मुताबिक भारत में 70,000 से ज्यादा ICU बेड हैं, जरूरत पड़ने पर जो इलाज के लिए उपलब्ध हैं। इसके अलावा भारत में तकरीबन 40,000 ही वेंटिलेटर मौजूद हैं, जिनमें से अधिकतर मेट्रो शहरों, मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट अस्पतालों में उपलब्ध हैं। परेशान करने वाली बात यह है कि इन सीमित संसाधनों में ही कोरोना के मरीजों का उपचार करना है, और भारत में वायरस का संक्रमण फैलने की रफ्तार चीन की तुलना में ज्यादा बताई जा रही है, तो उस पर काबू भी पाना है, यानी देश के लिए अब दोहरी चुनौती खड़ी हो गई है। विशेषज्ञों ने हाल ही में बताया कि चंद दिनों में भारत में कोरोना के मामले वुहान से ज्यादा होंगे। ऐसे में केंद्र सरकार और हमारा हेल्थ केयर सिस्टम खुद को कितना सक्षम बना पाता है, ये देखना होगा।
दुनिया भर में कोरोना वायरस संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामले लोगों की परेशानी बढ़ा रहे हैं। एक तरफ कोरोना की दवा और वैक्सीन को लेकर कई देशों में शोध हो रहे हैं, तो वहीं पहले से उपलब्ध दवाओं का भी कोरोना के इलाज के तौर पर प्रयोग किया जा रहा है। अपनी इस रिपोर्ट में दिखाएंगे आपको ऐसा ही एक पुराना इलाज जो कोरोना वायरस से लड़ने में कारगर साबित हो रहा है। पूरी दुनिया में कोरोना के इलाज के लिए हर दिशा में काम चल रहा है। कुछ दवाएं ट्रायल में फेल साबित हो रही हैं, तो कुछ दवाओं के सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक कमाल का असर केरल के डॉक्टर पीपी देवन ने दिखाया है। डॉक्टर पीपी देवन ने जिंक और गर्म पानी के जरिए कोरोना का इलाज किया है और इन दिनों वो इस इलाज के तरीके से चर्चा में बने हुए हैं। अपने इस इलाज के तरीके से डॉक्टर देवन 7 कोरोना मरीजों को वायरस की गिरफ्त से आजाद कर चुके हैं। डॉक्टर देवन कहते हैं कि शरीर में जिंक का लेवल ठीक रहे तो वायरस का संक्रमण असर नहीं कर पाएगा। हर दिन शरीर में 40 मिलीग्राम जिंक की जरूरत होती है। देशवासी अगर जिंक को अपने खाने में शामिल कर लें तो कोरोना वायरस या इस तरह के किसी अन्य फ्लू या संक्रमण से बचाव हो सकता है। दरअसल पपीते और तरबूज के बीज का पाउडर चावल के साथ खाएं। जिंक से भरपूर अखरोट का सेवन करें। डार्क चॉकलेट अनानास का भी सेवन किया जा सकता है। जिंक और आयरन की गोली भी ली जा सकती है। डॉक्टर के परामर्श से ही दवा लें। हफ्ते में 2 बार लेने की सलाह दी जाती है। कोरोना के इलाज का उनका यह तरीका सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है। वाकई जहां एक तरफ दुनिया के पावरफुल देश युद्ध स्तर पर वैक्सीन बनाने का काम कर रहे हैं, इस दिशा में लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, ऐसे में मर्स का ये पुराना इलाज सफल रहता है तो कोरोना से मरीजों को निजात बहुत आसानी से दिला सकता है। कोरोना संकट के बीच अगर आप फिर से अपनी जिंदगी को पुराने ढर्रे पर लाने की सोच रहे थे तो आपको झटका लग सकता है। कोरोना पर बनी असमंजस की स्थिति के बीच WHO ने जो दावा कर दिया है उससे सिर्फ निराशा ही हाथ लगेगी। एक रिपोर्ट देखिए। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। COVID-19 के 43 लाख से ज्यादा केस और 3 लाख लोगों की मौत से दुनिया दहशत में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन इस बीमारी को पहले ही महामारी घोषित कर चुका है। पूरी दुनिया उम्मीद लगाए बैठी है कि कोरोना को जल्द से जल्द खत्म किया जाए और जिंदगी फिर से पटरी पर लौटे। लेकिन कोरोना वायरस पर जो चेतावनी WHO ने दी है वो आपकी सभी उम्मीदों को तोड़ देगी। दरअसल WHO ने कहा कि हो सकता है कि कोरोना वायरस कभी खत्म ना हो और दुनिया को इसके साथ जीना सीखना पड़े। संगठन के आपातकालीन सेवाओं के निदेशक माइकल राइन ने जेनेवा में आयोजित की गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पहली बार मानव आबादी में एक नया वायरस प्रवेश कर रहा है और इसलिए ये अनुमान लगाना बहुत कठिन है कि हम सब उस पर हावी होंगे या नहीं। कोरोना हमारे समुदायों में सिर्फ एक अन्य स्थानिक वायरस बन सकता है और हो सकता है कि ये वायरस कभी खत्म ना हो। माइकल रेयान के मुताबिक वैक्सीन के बिना आम लोगों को इस बीमारी को लेकर इम्यूनिटी का उपयुक्त स्तर हासिल करने में सालों लग सकते हैं। भले ही COVID-19 की वैक्सीन तैयार करने की कोशिशें हो रही हो और 100 वैक्सीन बनाने की कोशिशों पर काम चल रहा हो, लेकिन दुनिया भर के एक्सपर्ट आशंका जता रहे हैं कि ऐसी कोई वैक्सीन कभी तैयार ही नहीं हो पाएगी। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए तकनीकी विशेषज्ञ जांच और सुरक्षा के लिए अलग अलग डिवाइसों का निर्माण करने में जुटे हैं। इसी कड़ी में JNU ने खास तरह की टेस्टिंग डिवाइस तैयार की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए देखिए ये रिपोर्ट। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने COVID-19 की जांच के लिए खास तरह का डिवाइस तैयार किया है। कोरोना समेत नई वायरल बीमारियों की बड़ी तादाद में स्क्रीनिंग के लिए JNU के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने चिप आधारित रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी RT-PCR मेथड तैयार किया है। JNU की इस रिसर्च टीम का कहना है कि 4 महीने में पहला प्रोटोटाइप डिवाइस बनाने का उनका टारगेट है। इस डिवाइस से टेस्टिंग की कीमत कम हो जाएगी और सटीक रिजल्ट भी मिलेगा। इसके लिए JNU ने पेटेंट फाइल कर दिया है। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट को बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल की ओर से मंजूरी मिल गई है। काउंसिल इस डिवाइस के निर्माण के लिए फंड भी मुहैया करवाएगी और अगले 4 महीने के भीतर डिवाइस के प्रोटोटाइप की उम्मीद की जा रही है। JNU के कुलपति प्रोफेसर M. जगदीश कुमार का कहना है कि कोरोना जांच RT-PCR मशीन से की जा रही है। इसके जरिए जांच में 120 से 180 मिनट तक का समय लगता है और मौजूदा लैब को तैयार करने में 10 से 15 लाख रुपए का खर्च आता है। JNU द्वारा तैयार की जा रही पोर्टेबल बैटरी चलित डिवाइस से महज 50 मिनट में ही सटीक परिणाम आ सकेगा। इस डिवाइस को तैयार करने में महज 60,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का खर्च आएगा। ऐसा पहली बार नहीं है जब कोरोना वायरस को लेकर JNU सुर्खियों में आया हो। इससे पहले कोरोना से जुड़ी सही जानकारी देने के लिए JNU वेबसाइट लॉन्च कर चुका है, जहां कोरोना पर हुए शोध से जुड़ी अहम जानकारियां साझा की गई हैं। JNU के कुलपति कह चुके हैं कि JNU में ऐसे शिक्षक हैं जो टीका बनाने, जांच किट के लिए शोध करने के लिए
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से काम कर सकते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।